the first thing she said to me is like, ho gaya. And I'm like, huh? It was like, I'm still shivering when I talk about it. Goosebumps. It is a huge thing. तो वो एक सेकंड का सोवा हिस्सा जो भी था, किताबों में ही सुना था, ऐसा ऐसा होता है, एक सेकंड में जिंदगी बदल जाती है. पता नहीं क्या क्या आने वाला है. पहला बल्ला मैंने इसको 2006 में एज ए प्लास्टिक बल्ला नहीं, जेन्युइन बल्ला ला के दिया. और शुरुआत ये कोई टेनिस बॉल ऐसे नहीं हुई इसकी, शुरू में ही लेदर बॉल से शुरुआत की है. बस मुझे लगता है जो पापा के आँख में चमक आती है, जो भी जैसे कोई क्रिकेटर खेल रहा होता है, वो यू नो साइड में बैठे हैं, वो देख रहे हैं मैच, किसी को कुछ मिल रहा है तो वो आँख में चमक आती है. तो मैंने सोचा एक दिन मैं भी ऐसे कुछ आंखों में चमक लाऊंगा पापा की, अगर आप समझ गए. इसको कुछ दिन हुए थे एकेडमी जाते हुए, नया नया एडमिशन लिया था, बच्चा ही था. तो कोच साहब ने वो रस्सा चढ़वाते ना, जो तो रस्से से ऊपर चढ़ गया और कोच साहब दूसरे बच्चे को समझाने लगे. तब तक वो उसको ध्यान नहीं रहा बिल्कुल. ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, इसने ऊपर से हाथ छोड़ दिया, नीचे गिरा तो एकदम ब्लैकआउट हो गया मेरा ये शोल्डर और ये पूरा मतलब ब्रेक हो गया था. मुझे कॉल आई, मैं हॉस्पिटल ले गई, वहाँ प्लास्टर चढ़वाया. तो आते हुए इसने मुझसे जो कहा, हद ही कर दी कि पापा कल खेल सकता हूँ. मुझे तो पसंद था, चोट वोट लगी कि भाई एक चोट लगी हुई है, देखो देखो मेरे चोट लगी है. मैं तो दिखाता था कि जैसे यहाँ लगी थी तो मैंने कहा देख देख चोट लगी है, हमेशा दिखाता हूँ. यू नो वॉरियर क्या होता है, जिसके सबसे ज़्यादा चोट लगी रहती है वो लगता है कि सबसे ज़्यादा बैटल्स उसने ही लड़े हैं. और मेरे पापा कहते थे चोट तो गहने हैं इंसान के, तो फिर ऐसी मैं सोचता था, फिर सोच भी ऐसी होगी मेरी. उस समय मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, स्कूटर होता था, इसी मम्मी को मैंने एक स्कूटी दिला रखी थी. मेरी एक किटबैग थी बड़ी, तो मम्मी बैठती थी बीच में किटबैग, फिर मैं बैठता था. आप यकीन करेंगे कोई चार पांच बार ऐसा हुआ कि रास्ते में सो गए. तो इसको ऐसे मैं पीछे से ऐसे पुश करके, मैंने कहा रितिक रितिक, तो ऐसे ऐसे करके मतलब इसको फिर मैं वहाँ स्कूटी पे ले जाती थी. तो मम्मी जानबूझ के एक बार स्कूटी भी ला देती थी कि ना उठ जा, क्या कर रहा है उठ जा. मम्मी हमेशा कहती थी फन कर, जब भी जो भी चीज़ करे इंजॉय कर उसे. तो इंजॉय मुझे लगता है जो मैं इंजॉय करता हूँ गेम को, वो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा क्या काफ़ी मम्मी की वजह से भी. Ritik started off as a batsman. In fact, it was Tariq sir who changed him into an off-spinner. So, फिर मैं first time Sonnet Academy गया, उसमें Tariq sir थे. तो सर ने कहा कि जा बॉल डाल ले, थोड़ी बॉल दे. तो मैंने पहली बॉल डाली, उन्होंने कहा रुक रुक रुक, बैटिंग छोड़ दे, आज से बैटिंग नहीं करेगा तू, पूरा फोकस बॉलिंग पे करेंगे. एज अ बॉलर तुझे आना है इस अकेडमी में तो आ जा, वरना. तो मैंने कहा कि क्या बोल रहे हैं कि मुझे तो बैटिंग करनी है. पापा को मैंने पूरे रास्ते सुना, मैंने कहा ये कहाँ ले आए मुझे. तो फिर पापा ने कहा कि ये जो है ना, इनने जो देख लिया वो फिर मतलब जैसे जो टच करते हैं वो गोल्ड में बदल जाता है. तो Tariq sir was the one who initiated him into off-spin. He finally got his finishing touches on off-spin from Maninder Singh. I was the selector for the Delhi junior team, and Ritik must have been 17 probably at that time, and I saw him and I said, you know, that's talent. तो जब ऑक्शन हो रहा था तो वो पहला जो राउंड होता है उसमें वो अनसोल्ड चला गया था. दिल टूट जाता है कि पूरा ही चला गया. जो फिर माई मॉम कॉल्ड मी अप लाइक इन हाफ एन आवर और मे बी अराउंड 8:30. द फर्स्ट थिंग शी सेड टू मी इज लाइक हो गया. एंड आई एम लाइक हाँ. इट वाज लाइक इट्स आई एम स्टिल शिवरिंग व्हेन आई टॉक अबाउट इट. गूज़बम्प्स. इट इज अ ह्यूज थिंग. तो वो एक सेकंड का सोवा हिस्सा जो भी था, किताबों में ही सुना था, ऐसा ऐसा होता है, एक सेकंड में जिंदगी बदल जाती है. और मैंने बताया एकदम से भाग के, मम्मी किचन में थी, पापा मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं भाग के गया मम्मी के पास. मैंने बोला कि मम्मा ऋतिक सेलेक्ट हो गया है मुंबई इंडियंस में. मम्मी एकदम से कहती हट,
झूठे मैंने बोला नहीं नहीं सच्ची में हो गया, तो मम्मी एकदम से रोने लग गई, उसी टाइम रोने लग गई। मतलब यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये हो गया, मतलब बहुत ही ऐसे हो रहा था कि मतलब आप वर्ड्स में नहीं बता सकते उस चीज़। मम्मी ने फ़ोन उठाया कहती थैंक यू, मतलब आवाज़ में ही ऐसा लग रहा बहुत इमोशंस, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हुआ था। सबसे पहले तो मैं मतलब फ़ैन था रोहित भैया का, कौन नहीं है इंडिया में, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन था रोहित भैया का। सचिन सर तो मुझे हमेशा जब भी मैं नेट पे बॉल डालता हूँ, इधर आ क्या कर रहा है, ये वाली कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, गलत मतलब पाथ पे जाने ही नहीं देते। और जैक सर तो जो भी बात पूछनी है जैक सर पे चले जाओ, अपने आप आंसर मिल जाएगा उस चीज़ का। काफ़ी न्यू चीज़ें पता लगी है कि गेम कैसे आगे बढ़ता है, गेम कैसे खेला जाता है, यू नो, कि जब तुम बुरा करो तब कैसे रिएक्ट करना है, जब तुम अच्छा करो तब कैसे रिएक्ट करना है। विद ऋतिक व्हाट वाज स्पेशल इज दैट ही हैड एन एम, ही वांटेड टू बिकम समथिंग। मुझे लगता है मुंबई हमारे लिए बहुत लक्की है, और मैंने ये देखो ब्लू चुन्नी उनको ऑल द बेस्ट के लिए ही पहन के आई हूँ, मैंने स्पेशल निकाल ली है, मेरी भी शुभकामनाएं उनके साथ है।